पूछ लीजिए जिसके पास माइक है हेलो हेलो सर सर एक मिनट मैडम हाँ मैडम एक मिनट मैडम इधर नीचे कोने पे, राइट हैंड साइड मैडम मेरा नाम सुमित दीक्षित है मैं पटपड़गंज विधानसभा से हूँ सर ये नंबर चालू है सर एक सवाल है आपसे भी और सर आपसे भी मेरा बोट सेफ रहेगा इस बार क्योंकि हमने डोर टू डोर किया है सब लोग बोलते हैं भैया सत्तर पार जाएगा लेकिन ईवीएम चेक कराना दूसरा सवाल मैडम मीडिया सब पे बात कर रहा है एनआरसी सब कुछ मैडम प्याज का मुद्दा उठाओ 140 चल रहा है मिडल क्लास फैमिली में प्याज का मुद्दा ऐसा है प्याज बंद हो गया है किसी रिश्तेदार के यहां जाओ बोलता है एक किलो प्याज ले आना सेव लाने की जरूरत नहीं है दूसरा एक मिनट दूसरा आपने जो बिजली फ्री करी ना सर लास्ट हम ऑडिटोरियम में देख रहे थे आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि पांच साल हम बिजली अगले पांच साल भी फ्री रखेंगे हाँ और, ये मैं क्लियर कर दू सर हम मैं कह रहा हूं कि खरबूजे को देख के खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है थोड़ा सा पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री भी बोले वहां से फोन करते हैं कि कुछ हवा उधर भी चलाओ बिजली फ्री कराओ थैंक यू सर बहुत अच्छे एक चीज मैं साफ कर दू कई लोग मेरे से पूछते हैं कि जी चुनाव के बाद भी ये बिजली फ्री और महिलाओं का सफर फ्री रहेगा कि नहीं रहेगा है ये मन में तो उन्होंने दूसरी पार्टी वालों ने तो कह दिया कि कि अगर उनकी सरकार आई तो ये फ्री बिजली भी बंद करेंगे और फ्री महिलाओं का सफर भी बंद करेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो अगले पाँच साल तक आपकी बिजली भी फ्री रहेगी और महिलाओं का सफर भी फ्री रहेगा सर मैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ उन्नीस में मैं दिल्ली चला आया क्योंकि मेरी माँ की देहांत हो गई वहाँ सदर हॉस्पिटल है जौनपुर के अंदर मैं उनको वहाँ पे एडमिट किया था उनका ध्यान इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं था और आज दिल्ली में हूँ गर्व से कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी आई है आपकी सरकार है मेरी मैडम कहती है कि मेडिक्लेम ले लो मैं कहता हूं कि जब तक अरविंद जी की सरकार है मेडिक्लेम की जरूरत नहीं है क्या बात है बहुत बहुत शुक्रिया सर घर पे भी बोलता हूं सबको बताता हूं कि दिल्ली एक पूरी बुनी, हमारे हिंदुस्तान का शहर है जहां पे सारी फैसिलिटी मिल रही है तो सर ऐसे आप लगे रहिए हम लोग आपके साथ हैं रातों दिन आपके साथ खड़े रहेंगे बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू ये सारी चीजें करेंगे एक तो अब बसें आ रही हैं खूब लगभग चार हजार बसें अभी आजकल तो रोज ही अब अखबार में पढ़ते हो हर हफ्ते नई बसें आ रही हैं हर हफ्ते तो खूब सारी बसें आ चुकी हैं और अगले चार पांच महीने में चार हजार तक बसें आ जाएंगी इसमें हजार इलेक्ट्रिक बसेज हैं उसके अलावा हम एक नई पॉलिसी लाने जा रहे हैं जिसके तहत लग्जरी बसेस प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करेंगे कि वो अपनी लग्जरी बसेस चला सकता है उसमें टिकट काफ़ी ज़्यादा होगा लेकिन जो कार इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो सब वो हम चाहते हैं कि उनको एयर कंडीशनड और अच्छी सीट मिलने वाली वीडियो वाली सारी अंदर सुविधाओं वाली बसेस मिलें तो वो भी काफ़ी सारी बसेस आएंगी उससे मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक काफ़ी कम होगा और मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास भी जैसे जब मेट्रो आई थी तो काफी मिडिल क्लास ने अपनी कार छोड़ के हाँ। मेट्रो में शिफ्ट किया था वो भी इस बसेस में शिफ्ट करेंगे फिर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को किसी तरह से इंटीग्रेट किया जाए मेट्रो बस ये इनका एक ही कार्ड हो एक ही कार्ड खरीद के आदमी ट्रैवल कर सके और तो कई सारे स्टेप्स ट्रांसपोर्ट को ठीक करना हमारे के पास वीडियो पे एक और सवाल आया है आ, मेरा सवाल केजरीवाल जी से है सर आप आ, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बनाओगे आप बताओ क्या-क्या करना चाहिए अच्छा सवाल है सिंपल आप बताओ क्या-क्या शिक्षा अच्छी की चलो मैं इसी से में से पूछता हूँ इसमें जो जो मैंने पॉइंट लिखे हैं सबसे जिस जिसको लगता है शिक्षा अच्छी की जरा हाथ खड़े कर दो ये कैमरे वाले थोड़ा दिखा देना इनको सबको जिस जिसको लगता है अब हाथ नीचे कर लो जिस जिसको लगता है कि हेल्थ में अच्छा काम किया अस्पताल अच्छे की हाथ खड़े कर दो जिस जिसको लगता है बिजली ठीक कर दी सस्ती कर दी 24 घंटे कर दी हाथ खड़े कर लो बिजली फ्री से बड़े खुश हैं जिस जिसको लगता है पानी के क्षेत्र में काफी काम हुआ है हाथ खड़े कर दो अच्छा वो कह रहे हैं हाथ खड़े ही रखो तो ये सारी चीजों के ऊपर जिसको लगता है अच्छा काम किया वो हाथ नहीं लेकिन वर्ल्ड क्लास सिटी अगर आपको बनानी है तो सबसे पहले हमें प्रो, जैसे जो, जो, को खत्म करना है यू पॉल्यूशन हाँ। दिल्ली को साफ भी करना होगा बिकॉज हाँ। आप एंड थ्री रोड्स को रिडिजाइन कर रहे हैं विमेन सेफ्टी पोल्यूशन मैंने कहा यमुना वाटर ट्रांसपोर्ट ये कुछ सेक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट और बड़े सेक्टर्स हैं जिस पे हमें काम नो yeah. लेकिन देखिए 70 साल की समस्या 5 साल में तो सॉल्व नहीं हो सकती ये तो, ये तो भाजपा भी कहती है नहीं पर हमने 5 साल में पोल्यूशन को 25% कम किया ये तो डेटा कह रहा है हम नहीं कह रहे पार्लियामेंट में केंद्र सरकार ने रिपोर्ट प्रेजेंट की है सेंट्रल हमारी तारीफ कर रही है, कैन कैन यू यू बिलीव इट? बीट दैट? उन्होंने रिपोर्ट की है, प्रेजेंट की 25 25 दिल्ली में पोल्यूशन कम हो गया, पर 25 से काम नहीं चलेगा हमें आराम <coughs> से आराम से प्लीज ऊपर वालों को शिक, गिला शिकवा जी वो मैडम जो ऊपर खड़ी है उनको माइक दे दीजिए हाँ जी बोल दीजिए नमस्ते सर मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ मैं ई ब्लॉक वेस्ट विनोद नगर में रहती हूँ मेरे हस्बैंड थे वीनेश उनका एक्सीडेंट हो गया था 2017 में ट्रैफिक में थे वो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए थे अरविंद केजरीवाल सर ने हमें एक करोड़ रुपए दिए थे <laughs> और उन पैसों से ज़्यादा इन्होंने जो मेरे पति के लिए सम्मान और जो सम्मान रखा था उससे मैं बहुत खुश हूँ अपने का नाम बताती हूं, तो मुझे पहचान लेते रोड एक्सीडेंट में कितने पुलिस वाले चले जाते हैं लेकिन आज तक कभी किसी को शहीद का नाम नहीं दिया सिर्फ फौजियों को शहीद का नाम मिलता था अरविंद केजरीवाल सर ने पुलिस वालों को भी एक शहीद का नाम दिया है तो शहीद के नाम से गर्व महसूस होता है ये नहीं लगता कि खत्म हो हो गया ये लगता है मेरे पति गए सब सम्मान करते हैं हमारा आपको पता है कि आ, इसके पहले दिल्ली पुलिस का अगर कोई आ, सिपाही शहीद होता था उसको शहादत के बाद क्या मिलता था एक सिलाई मशीन मिलती थी उसके विधवा को बस अब हम लोग उनकी शहादत को दिल्ली पुलिस में मोस्टली हमारे जो सिपाही हैं वो अपनी जान की बाजी लगा के हम सब लोगों की रक्षा करते हैं और अगर उनके साथ अगर कभी कोई हादसा हो तो सरकारों की और समाज की जिम्मेदारी है कि वो उनके रक्षा उनके लिए खड़े हों तो अब हम लोग एक करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं और उनके परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देते हैं इसीलिए आप स्मार्ट पॉलिटिशियन फिर मैं एक और सवाल पूछूं आपसे जनता को पूछने दीजिए जनता को आपकी असेंबली <laughs> अगर आप वापस आए विल यू रिजेक्ट दिस बिल लाइक अदर स्टेट है आपको कहा कि आप रेजोल्यूशन पास इस करेंगे? बिल की जरूरत ही नहीं है आप रेजोल्यूशन पास करेंगे? इस बिल की जरूरत ही नहीं है और सब लोगों को मिलकर पूरे देश को मिलके इस बिल को रिजेक्ट कर देना चाहिए तो आप असेंबली में रिजेक्ट और करेंगे पूरे केंद्र सरकार को इस बिल को रिजेक्ट कर देना चाहिए आप असेंबली में करेंगे कि नहीं मेरा वही जैसे आप जैसे लोग जो है ना वो टेक्निकलिटीज के अंदर देश तो को घुमा रहे हैं केंद्र सरकार ने एक पासा फेंका है और आपने उसको पकड़ लिया है आज देश के अंदर जो हालात हैं, उसको इस पूरे उसके लिए मैं काफी हद तक मीडिया को भी जिम्मेदार मानता हूं जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को उठाया गया है मुद्दा तो सीरियस है मीडिया... मुद्दा सीरियस है उसको इस इस तरह से हल्के में नहीं लेना चाहिए जैसे आप ले रही है नहीं, हम मेरा अपना यह मानना है कि पूरे देश को मिलके इस बिल को रिजेक्ट कर देना चाहिए पूरे देश को मिलके इस वक्त अपने बच्चों के रोजगार पे बात करनी चाहिए ये क्या मतलब है कि इसको देश से निकाल दो उसको देश से वो कर दो जिसके पास जन्म पर प्रमाण पत्र, पत्र नहीं है क्या असेंबली में अगर आपका बहुमत हो इससे क्या इससे बिल रुक जाएगा तो आप क्यों फॉर्मेलिटी में पड़ी हुई केरला आप क्यों नहीं सही डिबेट शुरू करती इस देश का इस देश का सही डिबेट हाँ। ये नहीं है जो आप पूछ रही हैं मेरा मकसद है कि सारा देश मिलके पहले इस बिल को समझे इस बिल को आप लोगों ने मिलके हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया है हमने तो नहीं ये मुद्दा हिंदू मु... ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है इस बिल के तहत हिंदू भी बाहर जाएंगे मुसलमान भी बाहर जाएंगे ये समझ लेना सारे जने जिस जिस को गलत फहमी है ना मैं कई लोगों से बात करता हूं कहते हैं नहीं जी हिंदू नहीं उस बिल में लिखा हुआ है पाकिस्तान से जो हिंदू आएगा वो केवल इस देश के अंदर रहेगा बाकी जिस जिस हिंदू के पास यहां जितने बैठे हैं सारे जने प्रमाण पत्र ले लेना ले और अपने माँ बाप का भी जुगाड़ लेना नहीं तो सबको सबकी तैयारी कर रखी है तो असेंबली में पास करोगे अरे असेंबली में बीस बार पास कर देंगे उससे होता हो तो बताओ पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा केरला की असेंबली ने कानूशन पास किया है कानून आपसे आप पूछ रही हूँ केरला ने जो किया वो करने दो उनको तो आप उसे क्या लेना देना है हाँ। पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा आप टीवी में सही तो, चीजें दिखाना चालू कीजिए सिंबोलिक मैसेज आप टीवी में सही चीजें दिखाना चालू कीजिए सही चीजें दिखाएंगे देश आगे बढ़ेगा आज मीडिया हमारा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है जो कि समस्या की अच्छा हमारी देश की असली ताकत जनता है अ, अगर आप कह रहे हैं कि हम लोग मीडिया में प्रॉब्लम है और एनडीटीवी प्रॉब्लम है तो हम हम ठीक काम कर रहे हैं एक आखिरी सवाल <coughs> <आखरी> सवाल <coughs> एक आखरी सवाल एक ले सकते हैं हम गुड इवनिंग सर सर वी ऑल थ्री ऑफ अस आर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल कौन सा स्कूल सर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर बहुत अच्छा हाउ ओल्ड आर यू आप देख रहे I'm हैं ये हमारे year. सरकारी स्कूल के बच्चे हैं uh. कितनी फर्राटे की अंग्रेजी बोल रहे हैं सो वी रियली वांट टू थैंक यू फॉर द व्हाट्स योर नेम सर माय नेम इज मानवी दिस इज हिमानी एंड दिस इज शिवा हाउ ओल्ड आर यू वेरी गुड व्हिच क्लास 17 इयर्स 12th क्लास ऑल थ्री ऑफ यू यस सर वेरी गुड प्राउड ऑफ यू Sir, the world class infrastructure we are getting in the school and the facilities we are getting in the school, they are just. I always thought that government schools can never compete with private schools. But I am from a private school, and the difference which I have observed being in a government school is wonderful. So, first, I you were in have a private school? Mein yes, sir. Till 10th, I was in a private school. Now you shifted two years back? Yes, sir. Pehle private school I have school. Mein hai. Yes sir Actually, this is this almost is, this a miracle is a very big achievement of your this is you almost a miracle universally acknowledge that you yes. made government schools really top class really very very good